मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े KHA फंक्शन हॉल के करीब वाक़े पान शॉप के ओनर पर हमले का इल्ज़ाम। तफसीलात के मुताबिक अजहर नामी नौजवान को 15 से 20 अफराद ने हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। हमला आवरों ने बचाने वालों पर भी हमला कर दिया, जिसे मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अजहर की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है और उन्हें बगर्ज़ इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यहाँ पर आसिफ नगर पुलिस पर भी कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात मुतासरा के घर वालों की ज़ुबानी। मेरा नाम मोहम्मद हाजी है, अजहरुद्दीन का छोटा भाई हूँ मैं। हम लोग आसिफ नगर एरिया में रहते, साहब साबे नगर में। ये वाक़या KHK के पास हुआ, KHK फंक्शन हॉल साबे नगर में। पांडब्बा चल रहा, ये मुकरम का पांडब्बा बोले तो वहाँ पे ज़रा फेमस है साहब। वो लोग क्या है, दादागिरी चला रहे हैं वहाँ पे। पानी के बॉटल की वजह से जो है ना इतना बड़ा इशू कर दिए, वेपन्स निकाल दिए यहाँ पे, जो है जान पे बात आ गई साहब। वाक़या ये था कि पानी के बॉटल की जगह उन्होंने कुछ दूसरा दिया था भाई, ये कहीं को दे रहे बोले तो सब्र रखता नहीं रखता बोल के हाथापाई कर दिए साहब। तो 3 दिन पहले हाथापाई कर देने पे उन्होंने जाके कंप्लेन लिखा दी उन्होंने खुद से। कंप्लेन लिखाने के बाद वो जो उनके भाई है वहाँ पे जो है मामूल देते पूरे कांस्टेबल्स को, तो वो कांस्टेबल ऑन द स्पॉट फ़ोन करके बोला तुम्हारी कंप्लेन नहीं, इसको हम भिजा रहे, तुम देख लो बोल के कंप्लेन ले नहीं वो लोग। तो अभी कंप्लेन हम तो जब कंप्लेन हुई थी फर्स्ट नहीं हुई थी साहब, पहले ले लिया नाम वही ले लिया, एक्शन कुछ भी नहीं लिया साहब। जो है उनके मामूल जाते रहता डब्बे का, 24 आवर्स डब्बा चालू रहता साहब। तो हमारे भाई को मुकरम का डब्बा, सैम डब्बा, ओ मुकरम का डब्बा है सब, उसके भाई चला रहे अभी वहाँ पे 24 आवर्स वहाँ पे डब्बा चालू रहता। आज क्या हुआ, उन लोग को पुलिस वाले बोले कि तुम्हारी कंप्लेन वापस नहीं ले रहा उन्हें, उसको बुला के डराओ धमकाओ, उसको मार के कंप्लेन वापस लेने लगाओ, नहीं लिया तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना पड़ता बोलने पर। उसको हमारे भाई को फ़ोन करके बुलाए, इधर आ बात करना है, सॉरी बोलना है तेरे को बोल के घर पे से बुलाए, खाने पे से उठा के। तो उन्हें जाके क्या हुआ भाई, बोलते कि जो है ना पचकड़ा मारना शुरू कर दिए, पहली वजह कंप्लेन वापस लियो बोल के। और कॉन्स्टेबल जो है लोगों को सपोर्ट कर रहे थे साहब, तुम लोग यहाँ से करा, नाम नहीं मालूम साहब, जवान है वो लोग, रोज़ मामूल लेते हैं 12-1 बजे से, आसिफ नगर के जवान है साहब।
हमको नाम नहीं मालूम, और हम लोग को नाम पूछने पे पीएस से बाहर ढकल दिया साहब, हमारे वालदा को, और पीएस में हमारे को कांस्टेबल हमारे को गाली भी दिया साहब, अम्मा की गाली दिया वहाँ पे वक्त आ जा। और जो है ना साहब, पान डब्बे के पास पूरे जो है नशा करते हुए वहाँ बैठते 25 से 30 लोग जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन पे हमला करे सर, स्टिकों से और हर चीज़ से मारे सो है साहब। जब नाम मेरे को मालूम है, मुकरम, अकरम, खुर्रम, समीर, फारूक, ये पांच भाइयाँ हैं और इनके जो है पांच मामू के बच्चे, एक पागल भाई है जो इनका ऑलरेडी इनके ऊपर केसेस चल रहे साहब, रॉडी शीटर ओपन है लोगों के, और ये लोग क्या है पुलिस को मामूल देते हैं डब्बा ओपन रखने के लिए, और इनके जो भी है नशे के चीज़ें हैं ना साहब वो सब करते साहब इन लोगों, तो उस वजह से इन लोगों को पुलिस वालों का सपोर्ट मिलने की वजह से इन लोगों का बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर जुल्म कर दिया साहब। क्या टाइम पे हुआ भाई अटैक? ये अटैक हमारे को 9:30 के बीच में हुआ सर, 10 के अंदर हुआ। अभी क्या जा रहे हैं आप लोग? अभी साहब हमारे भाई की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, और ऑन द स्पॉट जाफर हुसैन साहब हमारे को हेल्प करके जो है असरा हॉस्पिटल में भिजाए साहब ऑन द स्पॉट। और यहाँ पर हम जब वहाँ पे हमारे भाई को जो है ना 25 से 30, उनका भाई अभी एक जने से बोल भी जाया अगर कंप्लेन वापस नहीं लेते तो अब नेक्स्ट टाइम जब हमला करेंगे तो जान से जाता साहब, मेरे भाई की जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है साहब। आप लोग करो साहब कुछ भी सपोर्ट करो साहब। जो अकरम बोल के जो उनका बड़ा भाई रॉडी शीटर है, ऑलरेडी 2-3 मर्डर करे हुआ है साहब, उन्हें बोल रहा अब अगर बाहर निकला तो मैं चाकू मारता हूँ, ऑलरेडी चाकू मारे मगर दूसरों को लग गई साहब, आज बच गए। यहाँ लगी जब उन्हें पेट में खंजर मारने जा रहा था, ढकल दिए, यहाँ लगी वो से फटा साहब, अभी एक जनों को फटा बच उन्होंने गया, ट्रैफिक रोक के कोई बचाने आया मेरे भाई को, उनको कमर में फट गया, उन्होंने इमरजेंसी काम भाग गए, नहीं मालूम साहब को अननोन पर्सन था, बचाने आया वो जब हथियार देख के तो उसको कमर में लग गई साहब, मैं उन्हें कहाँ रहता नहीं मालूम है मेरे को, मगर उन्हें बचाया बोल के मेरा भाई बचाया साहब। अजहर मेरा बेटा है, बच्चा काम से आया, बच्चा ऑनलाइन का काम करता, बच्चा मेरा काम से आके अभी मुँह हाथ धोने में फ़ोन आया बच्चे को, फ़ोन आने को बच्चा मैं बोल रही हूँ खाना खाने का कहीं गुजारा बेटा ऐसा बोले तो नहीं फ़ोन आया अभी आ रहा हूँ 5 मिनट रुको के चले गए लोग। मालूम किसका फ़ोन आया? किसका है कि नहीं मालूम मेरे को, फ़ोन आते कि चले गए ना, मैं बोलूँ क्या है कि काम ऑनलाइन का काम करते नानू कुछ भी, वो फ़ोन आएगा समझी मैं, अब वो थोड़ी देर के बाद ये बच्चे सब भागे, भागने को मैं पीछे मैं भी गई, जी भी अचकन लड़ाई हो रही है तो वहाँ के अचकन कन हो रही, तो बच्चे को मेरे 15-20 जना मिल के अकेले को मार रहे, पूरे जना मिल के मार के, वो मस्जिद है वो मस्जिद कन डाल दिए बच्चे को मेरे, और छुड़ाने गैस वाला को भी मार दिए पूरे जना मिल के, लोग पूरा लोग डब्बा खोल के पूरे लोगों को परेशान कर रहे हो, 15-20 जना पूरे जना उनके हाँ 25 पूरे 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 लोग उनके चमका, हाँ मुकरम कहते और खुर्रम फारूक, मुकरम फारूक वो लोग सब जना लोग की ज्ञान है पूरी, और हमेशा किसी को मारते रहते हो लोग, 24 घंटे डब्बा खुला रखते हैं, दादागिरी करते हो लोग, कभी भी ऐसे कर रहे हो लोग, और मेरे बच्चे को खाली पीली घर पे से बुला के मारे मेरे बच्चे, गलती क्या भी नहीं है, और मेरे बच्चे को आड़े टेड़े मारे मेरे बच्चे को, कहाँ बोले वो मारा लगे हुए मेरे बच्चे को, इंसाफ हो ना मेरे बच्चे, नहीं 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 झगड़ा नहीं लोग, दादागिरी करते हो ना कभी भी, 3 दिन पहले बुलाए गए बच्चे को, बुला के जब भी धमकियाँ दे रहे गए बच्चे को मेरे, जब भी कंप्लेंट कहीं को दिया होगा, जब भी घर पे से उसको क्या है टॉर्चर कर रहे कि भाई मगर कर बच्चा दिया गया मेरे को नहीं मालूम, कंप्लेंट दिए जाके घर में नहीं सुना लोग नहीं सुना है बच्चा, मगर बच्चे को पुलिस वाले एक्शन, मैं पीएस को गई तो मेरे को हकाल दिया पीएस वाले आसिफ नगर वाले, मेरे बच्चे को लो कंप्लेंट लेते बोले, मैं सीरियस बच्चे को लेके हूँ मैं कंप्लेंट करनी कैसे, बच्चा मेरा है बात नहीं कर रहा, होश में नहीं है मेरा बच्चा को होश में लाना, मेरे बच्चे को क्या भी करना, मेरे बच्चे को होश में लाना, देखो मैं पहले बोल दे रही मैं आज के वाकये की कंप्लेंट दिया आप लोग, हाँ आज के वाकये की कंप्लेंट दी, मैं देने गए तो नहीं लिया, मैं माँ हूँ मैं बोले तो भी नहीं ले रही, मेरी कंप्लेंट अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, 7H न्यूज़ सिर्फ आपकी आवाज़।